पूरे देश की नजरें बंगाल पर थी। लेफ्ट की हिंसा और भ्रष्टाचार का जर्जर किला दहने की कगार पर था। उस समय ममता दीदी ने बंगाल से परिवर्तन का वादा किया। उनके इस वादे ने पूरे देश का ध्यान खींचा, लोगों ने भरोसा किया। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली, निर्ममता मिली। ममता की अपेक्षा थी, निर्ममता का शिकार हो गया। लेकिन ममता सरकार के पहले साल में ही ये साफ हो गया कि बंगाल को जो मिला है वो परिवर्तन नहीं, ये तो लेफ्ट का पुनर्जीवन है, और वो भी ब्याज समेत, सूद समेत। लेफ्ट का पुनर्जीवन यानी भ्रष्टाचार का पुनर्जीवन, अपराध और अपराधियों का पुनर्जीवन, हिंसा का पुनर्जीवन, लोकतंत्र पर हमलों का पुनर्जीवन। इससे पश्चिम बंगाल में गरीबी का दायरा और बढ़ता गया, पुराने उद्योगों में ताले लगते चले गए, नए उद्योग लगाने के लिए कोई उत्साह नहीं रहा, किसान को उतनी सुविधा नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए थी। जब सरकारी संरक्षण में लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे, जब सड़कों पर आए दिन खून खराबा होगा, जब सरकारी भर्तियां पार्टी के लोग करेंगे, तो बंगाल के सामान्य नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा। साथियों, बंगाल में आप दीदी से अपने अधिकार की बात पूछ देंगे तो वो बौखला जाती है, चिलमिला जाती है, यहां तक कि भारत माता की जय के नारे लगा दो तो भी वो नाराज हो जाती है। लेकिन देश के खिलाफ बोलने वाले कितना भी जहर उगल दे, दीदी को गुस्सा ही नहीं आता है। अभी आपने न्यूज में देखा होगा, इन दिनों भारत को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र सामने आ रहे हैं, कैसी कैसी साजिशें खुल रही है। अब तो इस बात की प्लानिंग की जा रही है कि कैसे भारत को बदनाम करना है, कैसे भारत की छवि को बिगाड़ना है। साजिश करने वालों की बेचैनी इतनी ज्यादा है कि भारत को बदनाम करने के लिए वो चाय से जुड़ी भारत की पहचान पर हमला करने की बात कर रहे हैं, टी वर्कर्स की कड़ी मेहनत पर हमला करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। योग जैसी भारत की विरासत, जिसे महर्षि अरबिंदो और स्वामी विवेकानंद जैसे अनगिनत महापुरुषों ने, ऋषियों मुनियों ने निस्वार्थ भाव से दुनिया तक पहुंचाया, उस योग पर हमला किया जा रहा है। लेकिन क्या आपने भारत के खिलाफ इन षड्यंत्रों पर, इन साजिशों पर दीदी के मुंह से एक भी वाक्य सुना है क्या?
अनेक ऐसे हैं जिन्होंने देश के लोगों ने दशकों तक सेवा का मौका दिया, वो भी या तो चुप है या इन षड्यंत्रों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इन षड्यंत्रकारियों से मैं कहना चाहता हूं, देश इन षड्यंत्रों का पूरी ताकत से जवाब देगा। भाई और बहनों, बंगाल फुटबॉल से प्यार करने वाला राज्य है और इसलिए मैं फुटबॉल की भाषा में कहना चाहता हूं, टीएमसी ने एक के बाद एक कई फाउल कर लिए हैं। मिस गवर्नेंस का फाउल, विरोधियों पर हमले और हिंसा का फाउल, बंगाल के लोगों का पैसा लूटने का फाउल और आस्था पर हो रहे हमलों का फाउल बंगाल के लोग सब देख रहे हैं। इसलिए अब बहुत ही जल्द बंगाल तृणमूल को राम कार्ड दिखाने जा रहा है। अब समय और स्थितियां बदल रही है। बुआ भतीजावाद को पश्चिम बंगाल से हटाने का मन आप लोग बना चुके हैं। टीएमसी के वो सभी साथी जो बुआ भतीजावाद से परेशान हैं, वो भी बंगाल की सेवा करने के लिए तड़प रहे हैं। बंगाल की सेवा, अपनी जिंदगी का बाकी समय बंगाल के लिए खपाना चाहते हैं और इसलिए उनसे राम राम करके यहां पर जय श्री राम करने आए हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।